सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्या बाई के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है। अहिल्या सैनिक से बोलते हैं कि क्या हुआ, तो सैनिक बोलते हैं कि गुप्तरों से पता चला है कि श्रीमंत राघवा मालवा पर हमला बोलने वाले हैं। तो हरक भाई बोलते हैं कि तुको जी कहाँ हैं, तो सैनिक बोलते हैं कि वो तो मुहिम पर चले गए। तो अहिल्या सैनिक से बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, और तभी सैनिक वहां से चला जाता है। तो हरक भाई अहिल्या से बोलते हैं कि अहिल्या माल रहा, तो अहिल्या बोलते हैं कि नहीं छोटी आई, आप एक काम कीजिए, आप यशवंत को संदेश भिजवाइए। और इसके बाद दिखाया जाता है राघवा अपने आप से बोलते हैं कि मालवा पर हमला करने का सही समय आ गया है, हमारी जीत का समय आ गया है, और अब तो हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि इस बार अहिल्या की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, ना घर से ना बाहर से। हम हमारी सेना को 4 टुकड़ियों में बांट देंगे, मालवा की सरहद चारों तरफ से घेर लेंगे, ताकि हम जब वाड़ी में पहुंचे तो अहिल्या बाई को भाग जाने का कोई रास्ता ही ना मिले। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या यशवंत से बोलते हैं कि हमारी सेना और हथियारों की क्या स्थिति है इस वक्त। तो यशवंत बोलता है कि बहुत अच्छी नहीं कह सकते छोटी रानी, क्योंकि हमारी अधिकतर सेना तो तुकोजी सरदार के साथ मुहिम पर है, और यहाँ हमारे पास इतने सारे सैनिक नहीं है कि उन्हें लेकर युद्ध की तैयारी की जा सके। तो अहिल्या बोलते हैं कि ठीक है यशवंत, तुम अभी के अभी तुकोजी बाबूजी के लिए खत लिखवाओ, लिखवाओ कि तुकोजी बाबूजी कुछ भी करके मुहिम छोड़ के जल्दी से मालवा में आ जाएं। राघवा दादा के मन में फिर से पाप आ गया है, और इस बार उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। मालवा को इस वक्त तुकोजी बाबूजी की सख्त जरूरत है, और हाँ शिंदे पवार और गायकवाड़ जैसे सरदारों को भी मदद के लिए खत लिखवाओ। तो यशवंत बोलता है कि जी छोटी रानी, और इतना कहकर यशवंत वहां से चला जाता है। और तभी अहिल्या हरक भाई से बोलते हैं कि मालराव से बात करनी होगी, जब तक बारी मदद नहीं आ जाती तब तक मुझे उसके तलवार का चमत्कार चाहिए छोटी आई, तभी मालवा बच सकता है। और इसके बाद दिखाया जाता है मालराव उस समय नारा होता है। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या मैना भाई के पास आती है और बोलते हैं कि मैना मालराव कहाँ है। तो मैना बोलते हैं कि आपको नहीं पता सासू भाई साहब, तो अहिल्या बोलते हैं कि नहीं पता है कहाँ है मालराव। तो मैना बोलते हैं कि वो राजा बनने की खुशी में उत्सव मना रहे हैं। तो अहिल्या बोलते हैं कि यहाँ मालवा जलने को तैयार है और मालराव उत्सव मना रहा है। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या मालराव के पास आती है और बोलते हैं कि तुम्हें मालवा की सूबेदारी सौंपी है, और तुम इस तरह बनोगे मालवा के सूबेदार जब राजा पर संकट मंडरा रहा है, तो तुम इस तरह कर्तव्य निभाओगे अपना, भोग विलास में डूबे हुए राजाओं का क्या हाल हुआ है ये तुमने पढ़ा है ना इतिहास में, तो फिर ये सब क्यों, क्या करे तुम मालराव। और तभी मालराव ताली बजाता है और बोलता है कि वाह इसे वाह, जब भी हम कुछ अपने तरीके से करना चाहते हैं तब शायद आप हमेशा भूल जाती हैं कि हम भी मालवा के राजा हैं, तब तो आप कोई चर्चा भी नहीं करती हमारे साथ, सीधा सीधा हमारी बातों को नकार देती हैं। तो अहिल्या बोलते हैं कि क्योंकि वो बातें नकारने योग्य ही है मालराव, मालवा के टुकड़े करने को मैं मालवा का विकास नहीं कर सकती। तो मालराव बोलता है कि जब सब कुछ आपके हिसाब से होना है तो फिर हम किस बात के राजा। अच्छा अब समझ में आया हमें कि अब आपको हमारी जरूरत पड़ गई है, इसलिए आप हमें याद करा रही हैं कि हम भी राजा हैं। तो अहिल्या बोलते हैं कि कह दिया तुमने जो कहना है, हो गया तुम्हारा, अब चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मालराव बोलते हैं कि नहीं हम आपके साथ कभी नहीं आएंगे आई साहब। और तभी मालराव बोलते हैं कि सब लोग सुनो, अगर हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है तो सुनो, हम है मालवा के नए राजा, नए राजा मालराव होलकर, और हाँ हम तो कहने के लिए एक राजा हैं, बाकी अब भी सब कुछ आई साहब के हिसाब से होता है। और हाँ अगर आई साहब ने कुछ कह दिया, मतलब पत्थर पर लकीर, कुछ अच्छा हुआ तो आई साहब की वजह से, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमारी वजह से। और तभी मालराव बात करते करते ऊपर से नीचे गिर जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है वैद्य जी मालराव को उपचार करते हैं, और अहिल्या से बोलते हैं कि आने वाले 10 दिनों तक ये बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे, घाव बहुत गहरा है, विशेष ध्यान रखना होगा। और इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है मैना भी मालराव के लिए औषधि लेकर आती है और बोलते हैं कि पी लीजिए औषधि है। तो मालराव गुस्से से औषधि का गिलास नीचे फेंक देता है और बोलते हैं कि नहीं चाहिए हमें कोई औषधि। और तभी दिखाया जाता है वहां पर अहिल्या आती है, तो मालराव मैना से बोलता है कि नहीं चाहिए हमें। तो मैना बोलते हैं कि लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे हैं राजकुमार जी, अगर आपने औषधि नहीं पी तो आप जल्दी से ठीक कैसे होंगे, आपका दर्द कैसे कम होगा। तो मालराव बोलते हैं कि बाहरी दर्द से ज्यादा हमारे अंदर दर्द है जो हमारी आई साहब हमें देते आई है, और हमारे लिए मदिरा लेकर आओ, हमें मदिरा चाहिए। और तभी अहिल्या नीचे से गिलास उठाती है और मैना भाई को देखकर वहां से चली जाती है। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या दुखी होकर अपने कक्ष में आ जाती है, और तभी अहिल्या को मल्लारो सरकार की आवाज आती है। मल्लारो सरकार बोलते हैं कि क्या हुआ अहिल्या, तो अहिल्या बोलते हैं कि बहुत डर लग रहा है बाबा साहब, अभी जो मालराव की हालत है लगता नहीं कि वो कभी मेरा साथ देगा, साथ की उम्मीद भी नहीं है, आपके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई बाबा साहब, ऐसे लगता है जैसे हारने लगी हूँ मैं, या शायद हार ही गई हूँ। तो मल्लारो सरकार बोलते हैं कि नहीं हमारी अहिल्या कभी हार नहीं सकती, उसे तो हमने अपना मालवा सौंपा है, क्योंकि वो उसकी रक्षा करने में सक्षम है, उसकी उन्नति में सक्षम है, और तुम्हारे पुण्य का फल इतना है कि तुम्हारा ही कोई पुण्यकर्म तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। और तभी दिखाया जाता है वहां पर हरक भाई आती है और बोलते हैं कि क्या वो अहिल्या, तो अहिल्या बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए छोटी आई, मैं अपने आखिरी सांस तक मालवा की रक्षा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि बाबा साहब का आशीर्वाद मेरे साथ है। और तभी अहिल्या सिपाही को अंदर बुलाती है और पूछती है कि यशवंत कहाँ है। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या यशवंत से मिलती है, तो यशवंत बोलते हैं कि क्या वो छोटी रानी, आपने हमें यहाँ पर इस जगह क्यों बुलाया,
तो अहिल्या बोलते हैं कि क्योंकि अब जो मैं बात तुमसे कहने जा रही हूँ उसकी खबर वाड़े की दीवारों को भी नहीं होनी चाहिए। राघव दादा अपनी पूरी सेना के साथ मालवा पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम समझते हो ना कि इस वक्त मालवा पर जो खतरा मंडरा रहा है वो विकराल है। तो यशवंत बोलता है कि तो क्या हुआ छोटी रानी, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तो अहिल्या बोलते हैं कि मैं जानती हूँ यशवंत, लेकिन इतना आसान नहीं है। राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति सब यही कहते हैं कि मारा चाहे राजा या साधारण सिपाही, अगर उसकी आहुति से राज्य का लाभ नहीं हो रहा तो राज्य का और आहुति देने वाले परिवार दोनों का नुकसान है और उस इंसान का दुर्भाग्य, बस और कुछ नहीं। देखो तुकोजी बाबूजी का उत्तर अब तक हमारे पास आया नहीं है और तुम तो जानते हो ना कि हमारी आधे से ज्यादा सेना उनके साथ है। उनके बिना हम राघव दादा का सामना कैसे करेंगे, और जो सैन्य मदद हमने मांगी है उसे भी आने में समय लगेगा। और जितना मैं राघव दादा को जानती हूँ वो हमें ज्यादा समय नहीं बिताने देंगे, हो सकता है कि वो कल सुबह हम पर हमला बोल दें। तो यशवंत बोलता है कि लेकिन छोटी रानी इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। तो अहिल्या बोलते हैं कि देखो यशवंत, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर हमें यह युद्ध जीतना है। तो यशवंत बोलता है कि लेकिन छोटी रानी कैसे। तो अहिल्या बोलते हैं कि मैंने एक तरीका सोचा है। और तभी अहिल्या यशवंत को अपनी योजना बताती है। तो यशवंत बोलता है कि ठीक है छोटी रानी। और इसके बाद दिखाया जाता है यशवंत अहिल्या के पास आता है और बोलता है कि छोटी रानी जैसे आपने कहा था मैंने उनको बुला लिया है। और तभी यशवंत सारजा के पति दुष्यंत को अंदर बुलाता है। तो दुष्यंत को इतने सालों बाद देखकर अहिल्या बहुत खुश हो जाती है। और तभी दुष्यंत बोलता है कि छोटी रानी मुझे आपको किसी से मिलवाना है। और तभी दुष्यंत कुछ लड़कियों को अंदर बुलाता है और तभी एक लड़की अहिल्या के पांव छूती है। तो दुष्यंत बोलता है कि मेरी और सारजा की बेटी सुगंधा है। और तभी अहिल्या बोलते हैं कि बिल्कुल सारजा की तरह है। तो सुगंधा बोलते हैं कि और मेरे इरादे भी बिल्कुल आई साहब के जैसे हैं, उनसे रत्ती भर भी कमजोर नहीं है मेरे इरादे। तो अहिल्या बोलते हैं कि जिस मालवा की बेटियों के इरादे इतने बुलंद हो उसको राघव दादा की लाखों के सैनिकों को हराना बहुत आसान है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। गुनू जी राघवा से बोलते हैं कि अहिल्या अपनी सेना लेकर कूच कर चुकी है। तो राघवा बोलते हैं कि कितनी सेना उनकी। तो गुनू जी बोलते हैं कि 800,000 महिलाएं। और इसके बाद दिखाया जाता है अहिल्या राघवा से बोलते हैं कि तो युद्ध चाहते हैं आप, लेकिन मैं चाहती हूँ कि युद्ध से पहले आप कुछ पढ़ लें। और तभी राघवा उसको पढ़ते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।